ओके गाइस, एक और कोऑर्डिनेशन का सवाल है. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ स्वेटिंग शोन इन फिगर 4.1 आर डिफरेंट फॉर द पर्सन व्हेन दे आर वॉकिंग एंड सिटिंग क्लोथ एंड अनक्लोथ इन द सन एंड इन द शेड एंड सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इफेक्ट दैट कैरिंग 15 kg हैज ऑन द पर्सन्स रेट ऑफ स्वेटिंग. मैं वन बाय वन आंसर बताता जाता हूं और एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा. ठीक है जी. इट इज हायर वाइल वॉकिंग एज इट रिक्वायर्ड More energy. जब आप क्लोथ और नेकेड को कंपेयर करोगे, सो स्वेटिंग इज यस स्वेटिंग डिक्रीजेस वाइल क्लोथ स्वेटिंग डिक्रीजेस वाइल Cloth as water potential, बल्कि water potential वाली बात बड़ी लंबी हो जाएगी. मैं इसको simplify करके लिखता हूँ. As humidity is more exposed to the skin, बाहर ज्यादा ह्यूमिडिटी एक्सपोज होगी, ज्यादा पानी रिलीज आउट होगा. इन द सन एंड इन द शेड, यार ये तो बड़ा ऑब्वियस है. इट इज ड्यू टू हाई इन द स्वेटिंग इज हायर इन सन बिकॉज ऑफ मोर टेम्परेचर. ठीक है जी. सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इफेक्ट दैट कैरिंग 15 kg हैज ऑन द पर्सन्स रेट ऑफ स्वेटिंग. मोर मस्क्यूलर एक्टिविटी, वजन उठा रहा है बंदा, मतलब मजाक नहीं है. मोर रेस्पिरेशन एज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उसकी वजह से स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी. गाइज मुझे जरा 2 मिनट देना. आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स. ओके.
ओके जी चलें कंटिन्यू करें. अच्छा जी आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया और होपफुली व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि कल भी हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन ही कंटिन्यू करेंगे. मैं जरा इसमें से एक सवाल उठा रहा हूँ बेटा नेगेटिव फीडबैक का, वो समझा देता हूँ और बॉडी टेम्परेचर के मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ गौर से सुनना है ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है, गौर से सुनना जरा, हमारी बॉडी में कोई भी होमियोस्टैटिक फंक्शन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है. कोई भी होमियोस्टैटिक फंक्शन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है. नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जो स्टिमुलस आएगा, ये स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस किसी चेंज को कहते हैं. जो हमारी बॉडी में कोई सा भी चेंज आएगा, यानी कि जब भी बॉडी का कोई भी एक्शन ऐसा होगा कि हम सेट पॉइंट से हट जाएंगे, तो हमारी बॉडी उसके बदले एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है. वो रिस्पॉन्स जब उसको वापस सेट पॉइंट पे लाने के लिए होगा, तो वो उस आने वाले स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करेगा. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने बहुत सारा मीठा खाया और आपके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया. आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होना इज अ स्टिमुलस फॉर द बॉडी एंड योर बॉडी इज गोइंग टू respond it by your body is going to respond it by decreasing the blood sugar level. उसके लिए आपकी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ेगा. नहीं बेटा जैनब शिवरिंग नहीं होगी इसमें, इंसुलिन बनेगा ना. अगर मिसाल के तौर पे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो शिवरिंग करके हम क्या करेंगे ठीक है. अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, किस किस के पास स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा जल्दी से बताओ जरा मुझे. तो ये बात अगर नहीं आ रही है तो रिकनेक्ट कर लो, बाकियों के पास आ रही है आई गेस. मेरे पास से भी स्क्रीन शेयर हुई भी है. अच्छा जी दूसरी चीज क्या होगी कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो रिस्पॉन्स डेवलप होता है वो एक होमियोस्टैटिक रिस्पॉन्स होता है. और हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने की, ये जो दूसरा सवाल है मतलब जो पहला सवाल है इसका है ना, वो कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर आफ्टर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स दैट विल रिटर्न द बॉडी टेम्परेचर टू इट्स नॉर्मल लेवल. तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है, हार्मोनल सिस्टम काम करता है, और ये दोनों मिलके काम करते हैं टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए. सबसे पहले आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होगा एक पार्ट जो कि ब्रेन का है, वो है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस स्वेटिंग डिक्रीज करेगा, और स्वेटिंग डिक्रीज करना यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म कर देगा, सही है हाँ. लेकिन ये बिल्कुल नहीं लिख देना कि बिल्कुल जीरो स्वेटिंग हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में भी हाथों से और पांवों से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा होता है स्वेट की शक्ल में ठीक है. जिसके बाद आपकी बॉडी को हीट जनरेट करनी होगी, सही है. हीट जनरेट करने के लिए वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज करेगा. अच्छा एक मिनट सॉरी मैं इसको थोड़ा सा गलत ले जा रहा हूं. ये कह रहा है आफ्टर बॉडी टेम्परेचर फॉल, सही है. तो आफ्टर बॉडी टेम्परेचर फॉल क्या होगा, विल रिटर्न द बॉडी टेम्परेचर टू इट्स नॉर्मल लेवल. आपको टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है ठीक है जी, टेम्परेचर डिक्रीज करना है उसके लिए हम लोगों ने ठीक है मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना जरा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो स्वेटिंग तो रोक दी आपने, और
2 मिनट की बात करते हैं। हाँ, सही सही। ओके ओके, हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। ओके हाँ, सॉरी गाइस, कहाँ पे था मैं? आफ्टर द बॉडी टेम्परेचर फॉल एंड दैट विल रिटर्न द बॉडी टेम्परेचर टू इट्स नॉर्मल लेवल। तो भाई आपने क्या करना है, आपने जो है ना स्वेटिंग प्रोसेस तो रोक दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास लेस इवेपोरेशन होगी और कम हीट बॉडी से बाहर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा एक प्रोसेस वेजो कंस्ट्रिक्शन का। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन यार इसलिए होती है ताकि स्किन की तरफ जो सप्लाई है ब्लड का, स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए। जब स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो उसकी वजह से जो हीट रेडिएट आउट हो रही है, हीट रेडिएट आउट हो रही है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा कंजर्व होगी, बॉडी हीट इंक्रीज हो जाएगी। सही है, सर्दी जब लगती है हमें तो हमारी बॉडी शिवर करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। शिवरिंग के प्रोसेस में आपने 2 मेजर काम करने हैं, आपने रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना है जो कि एड्रिनलिन बढ़ाता है, और उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म का रेट भी बढ़ाना है जो कि आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हॉर्मोन थायरोक्सिन करता है। सही है जी, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी एड्रिनलिन की मदद से, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा थायरोक्सिन की मदद से, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ वो एनर्जी देता है, वो एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ग्लूकोज का टूटना बढ़ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। यूरिनेशन मेंशन इसलिए नहीं करेंगे कि यार यूरिनेट बंदा सर्दियों में ज्यादा कर रहा होता है, वो एज अ रिफ्लेक्स या एज अ रिस्पॉन्स आ रहा होता है। सही है, उससे हमें हीट बढ़ाने में फायदा नहीं हो रहा कोई। सही है, हाँ, 2 बातें और इसमें मेंशन कर सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म के ऊपर ब्राउन फैट इंक्रीज होता है। ब्राउन फैट क्या करता है, बॉडी को आइसोलेट करता है शेवरिंग के साथ साथ, इरेक्टर पिलाई मसल इरेक्शन करवाता है बॉडी हेयर्स की, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, एक थिन लेयर, एक थिन फिल्म ऑफ एयर ट्रैप हो जाती है इन द बॉडी हेयर्स, और वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आप एक्सेसिव हीट लॉस होने से बचा सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, इसकी भी जगह नहीं है, हम इसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड इन रिफ्लेक्स एक्शन बाय सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। आज मेरे पास वन नोट काम नहीं कर रहा, आज मेरी बेचारी सारे बच्चों की क्लासें भी ऑफ हो गई इसी चक्कर में, कि वो जिसके ऊपर मैं लिख रहा होता था वो काम नहीं कर रहा, वरना मैं यूजुअली एक डायग्राम बना रहा होता हूँ इसको रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए, ऑफ अ नी जॉइंट। ठीक है जी, ये बेचारे का पाँव समझ लेना थोड़ी देर के लिए, और वो एक डॉक्टर के पास एक हैमर होता है ना उनके स्पेशल, वो टैप करते हैं जब तो हमारे जो पाँव है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, किस चीज की एग्जाम्पल है ये? रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है। सही है,
मैं इसी पे तुम्हें सेंसरी मोटर और रिले न्यूरॉन का फंक्शन समझाता हूँ। अच्छा साइड में हम एक काम करते हैं समझने के लिए, एक नर्वस सिस्टम भी समझाता हूँ, सही है। यहां पर से जो इंपल्स जनरेट होगी वो लेकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन और ले जाके इसको देगा, और वहां पे या तो रिले न्यूरॉन कनेक्टेड होगा या नहीं होगा। वहां से एक न्यूरॉन आएगा और यहाँ पे लाके इसको मैसेज या कमांड जो भी है वो देगा, ठीक है, कि भाई पांव को रिफ्लेक्स जनरेट करना है या नहीं करना उसके हिसाब से। तो इसमें क्या होगा अल्टीमेटली, आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये सेंसेशन कैरी करता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन जो है इफेक्टर तक नहीं करते, सीएनएस तक करते हैं, ये जरा गलती हो गई इसको करेक्ट कर लो। मोटर न्यूरॉन क्या कैरी करता है, कमांड कैरी करता है जो कि किसी मसल को सप्लाई करेगा, वो करता है फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। और रिले न्यूरॉन क्या करेगा, रिले जो है, जो रिले बना रहा है वो बेसिकली एक इंटर न्यूरॉन होता है, ये कनेक्ट करता है सेंसरी को और मोटर न्यूरॉन। बाकी की जो इसके अंदर एलिमेंटेशन आ जाएगी, मेरा ख्याल है अपना कि आप लोग बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही है। मैंने बेसिक बेसिक सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। देन इट्स नॉट नेसेसरी कि ग्रे मैटर तक ही हो, उसके एग्जॉन तो आएंगे उसी में ना, एलिमेंटेशन मतलब पॉइंट्स जोड़ना, पॉइंट्स रखना, सही है, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है। केमिकल रिसेप्टर की बात आ रही है, इसमें आगे एक और हमारे पास सवाल आ जाएगा। हमने ये वाला चैप्टर जो है ना दो दिन चलाना है गाइस, ठीक है, आज भी चलेगा और कल भी यही चैप्टर चलेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक हार्मोन क्या होता है, व्हाट इज अ हार्मोन, हार्मोन को कैसे डिफाइन करोगे, अच्छा जी ओके, जैनब और उमैमा का जवाब आया अभी तक, बाकी बच्चों के जवाब आ, A chemical substance that bring about a change. Okay, ठीक है मुनीबा, ओके तैयबा, ओके उमैमा एंड जैनब, A chemical substance that is secreted from the glands so there was this question about adaptation of synapse in ensuring that the impulse moves in one direction only, can you help? Muzna beta main ek session rakhunga अलग से, सही है, वर्कशॉप वाली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर जो आप लोगों के क्यूरीज होंगी, जितने भी तुम लोगों को
सवालों में प्रॉब्लम होगी, वो सवाल आपने लेकर आने, पहले उसकी पिक्चर लेकर आ जाओ या हार्ड कॉपी में, हार्ड मटेरियल में लेकर आ जाओ, सही है, और उसके हवाले से मैंने रखना है। हाँ, एक और चीज़ तुम्हें उसे डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि भाई वो मैं चाह रहा था कि वो जो सेशन रखूँगा क्यूरीज का, उसको हम लोग लाइव कर दें थ्रू यूट्यूब, सही है, लेकिन यूट्यूब के अंदर एक इशू ये आ रहा था कि उसके अंदर पहले 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी, सही है, लाइव करने के लिए, वो मैंने चेक किया था उसके अंदर ना, तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, उसके लिए अभी तक आई गेस मेरे पास 800 तक तो हुए हैं, अब बाकी के जो है ना वो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग उसको कैसे इंक्रीज करते हो। अगर वो इस वीकेंड तक यानी कि मंडे ट्यूसडे तक जब भी हम लोग वर्कशॉप रख रहे हैं तब तक वो 1000 तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसको यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। फेसबुक लाइव कर सकते हैं लेकिन उसमें फ़ायदा ये नहीं होता, उसमें मैंने हमेशा जब भी किया है, तो मैं तुम लोगों को लिंक उसका शेयर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। मैंने जब भी फेसबुक लाइव किया है उसके अंदर हमेशा से एक कंप्लेन रही है वो बच्चों की, वो क्या होती है कि सर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है, क्योंकि वो पिक्चर्स होंगी, वो पास पे क्वेश्चन होंगे, या मैं प्रोजेक्टर के ऊपर लगा के उसको कनेक्ट करूंगा, प्रोजेक्टर की स्क्रीन होगी तो वो ब्लर हो जाती है यूट्यूब पे, अमूमन यही होता है, ठीक है। जैसे वो लास्ट वर्कशॉप वाली भी जो फेसबुक से लाइव करी थी उसके ना बीच बीच में तुमने देखा होगा वो पिक्सेलेटेड हो जाती है, पिक्सल फट जाता है अचानक से, तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर साथ में लाइव करना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, फेसबुक इज नॉट अ गुड ऑप्शन, सही है, मुझे आइडिया है बिल्कुल इस चीज का। चले जी, हाँ अहमद बेटा बोलो। प्रिज्म लाइव स्टूडियो, चलो मैं देखूंगा इस हवाले से, अब इतना इस वक्त टाइम नहीं है कि कोई नई एप्लीकेशन पे जाया जाए, सही है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट हो चुकी हैं, तो हम लोगों ने करना होगा, लाइन अप करेंगे उसका, यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन आई गेस, सही है मेरे हिसाब से, अगर सब्सक्राइबर पहुंच गए, वरना अदरवाइज आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो मैं क्लास जो रखूंगा वो रखूंगा एसके सॉल्यूशंस गुलशन पे, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आ जाइएगा जो वर्कशॉप वाली क्लास होगी उसमें, तो आप फिर ये होगा कि डायरेक्ट सवाल लेके आ जाएंगे, ज़्यादा इजी, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, सही है। मैं यूट्यूब का जो लिंक है वो तुम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना, अगर तुम्हारे दोस्तों वोस्तों में तुम लोग फॉरवर्ड कर सको तो कर देना, अगर वो हो गया तो फिर हम उसको वहाँ से लाइव कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सीक्रेट फ्रॉम द ग्लैंड्स के साथ अगर आप मेंशन कर देंगे साथ में, तो एक एंडोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात जो यहां पर आ जाती है वो क्या है, सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द ब्लड, ये सारे कीवर्ड्स है जो कि तुम्हें मार्क्स दिलवाएंगे, इनटू द ब्लड व्हिच reaches up to its target cell or organ and generate a response, ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई, ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट आ गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये ब्रेन का एक सवाल है, जरा इसको देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल साबित होगा, एक ही सवाल में बहुत सारे पार्ट्स हमारे समराइज हो जाएंगे, सही है। प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इब्राहिम, सिक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड जरा इफेक्टिव टर्म है, प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड अगर लिखते हैं आप तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी मसला है, और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है मार्किंग स्कीम में भी जो है ना प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स ही है, सेक्रेटेड इनटू द ब्लड बाय द ग्लैंड्स, तो जुमले को ना एक जगह समेटने वाली बात हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड देन सेक्रेटेड इन द ब्लड, वो दो हिस्से हो रहे हैं उसी बात के, सही है, तो सेक्रेट बाय द ग्लैंड्स इनटू द ब्लड डायरेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो बात को, कम जगह में ज्यादा पॉइंट्स उठाओ, कम बातों में ज्यादा कीवर्ड्स डालो, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। एक बच्चे का जब मैं कोई भी किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहा होता हूँ, अगर मुझे नजर आ रहा होता है ना कि यार एक ही बात को दो अलग अलग अंदाज से लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास पॉइंट्स ही नहीं है लिखने को, जिस बच्चे के पास ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लफ्जों को समेटने की कोशिश कर रहा होता है, जब आप पढ़ के अंदाजा हो रहा होता है, ठीक है। यार महक तुम मेहनत करवा रही हो बेटा, बहुत मेहनत करवा रहे हो आज, ये लो भाई देख लो एक दफा जवाब,
A chemical substance that is secreted from the glands endocrine into the blood, which reaches up to its target cell organ and generates a response. अरे नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया, खैर हो गई, सॉरी वॉरी का चक्कर नहीं है भाई, बस सही है सही है। आपको जब तक समझ में नहीं आता, आपको जब तक क्लियर नहीं होता, मैं 25 दफा समझाऊ, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, मैं तो वैसे ही एक बात बोल दी, खैर हो गई, सही है, सॉरी वॉरी का चक्कर नहीं है इसमें तो। अच्छा जी, when you talk about the cerebrum, cerebrum क्या होता है? Cerebrum आपके पास brain का highest part होता है। Cerebrum जो होता है वो hemisphere बना रहा होता है। Cerebrum जो होता है वो आपके पास memory बनाता है, intelligence बनाता है। ये बोले describe the principal functions, आपने directly बताना है functions के बारे में, सही है? तो cerebrum क्या करता है? Conscious thoughts, जो मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ इस वक्त, वो cerebrum से सोच रहा हूँ, सही है? सेरिब्रम क्या बनाता है? सेरिब्रम मेमोरी बनाएगा, सेरिब्रम जो है वो आपकी लर्निंग बनाता है, डेवलप करवाता है, सेरिब्रम आपका विजन साइट बनाता है, सेरिब्रम से आप स्पीच डेवलप करते हैं, सेरिब्रम आपकी हेयरिंग को ट्रांसलेट करता है, आपकी अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट, आपके अपने वर्ड्स को ट्रांसलेट करता है। सेरिब्रम बिल्कुल 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 भाई, सबके पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, वॉलेंट्री एक्शंस करवाता है। और क्या करवा रहा है सेरिब्रम? सेरिब्रम जो है वो सेंसेशंस डेवलप करवाता है, जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं, हमारी इंटेलिजेंस यहाँ से डेवलप होती है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई सूरज का जो शेप है, लेट्स से द शेप ऑफ द सन इज स्क्वायर और अ क्यूब शेप, तो आपने क्या जवाब देना है कि नहीं भाई ये तो स्फीयर होता है, स्क्वायर नहीं होता, क्यूब नहीं होता, स्फीयर होता है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। हाँ, इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशन भी लिख सकते हैं। जब तुम उस बंदे को बोलोगे कि यार मैंने खुद देखा है सूरज क्यूब नहीं है, गोल है, तो ये तुम क्या दे रहे हो? तुम दे रहे हो रीजनिंग, ठीक है भाई। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम तुम्हें बताएगा तुम इस वक्त किस अंदाज में, किस पोस्चर में बैठे हो। सेरिबेलम तुम्हें बताएगा अगर तुम्हें कोई दरख्त से उल्टा लटका दे, तो सेरिबेलम में तुम्हारा जिसमें बताएगा भाई उल्टे लटक लो, सीधे हो जाओ, सही है। सेरिबेलम तुम्हारे मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करवाता है सेरिबेलम तुम्हारे जो भी एक मिनट इब्राहिम, बॉडी टेम्परेचर नहीं कंट्रोल करता, बैलेंस जरूर कंट्रोल करेगा। जो हमारी एक होती है ना इंस्टिंक्ट, वो डेवलप करवाते हैं सेरिब्रम, सही है। आपके मसल्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सही है। तो स्ट्रेचिंग किस मसल पे कितना लोड पड़ सकता है, कौन सा मसल कितना वजन उठा सकता है, ये सारा काम सेरिबेलम का होता है कैलकुलेट करना। हाइपोथैलेमस में आप आते हैं तो अब सारी बात होगी, सारी चीज अब यहाँ पे आके कंट्रोल होती है। टेम्परेचर कंट्रोल इसका काम है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेक करना इसका काम है। हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और कितना है इसका देखना इसका काम है। हमारी बॉडी में पानी कितना होना चाहिए, कितना है इसका वाटर पोटेंशियल, यानी कि तो ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल नेहा बेटा इसका काम है। ये खुद दो हार्मोन बनाता है, एक ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ADH के जरिए से ये वाटर पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीटोसिन के जरिए से डिलीवरी ऑफ फीटस में हेल्प कर रहा है और मिल्क सिक्रीशन करवा रहा है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, सही है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत हो गए पॉइंट, 3 मार्क्स से ज्यादा ही दे देगा, 6 मार्क्स दे देगा 3 मार्क्स एग्जाम में। इसके बाद कह रहे हैं कि नेम अ हार्मोन दैट इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग जो ये हार्मोन लगा रहे हैं ना इंसुलिन,
ये सब का सब बैक्टीरिया ने बना के दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने, जेनेटिक मैनिपुलेशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से. नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस दिस हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड स्टेट टू फंक्शंस ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी. पेनक्रियास, ओके. पेनक्रियाटिक जूस बनाता है ये, वो सारी की सारी सिक्री, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं. पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, वो सारी की सारी सिक्रीशन एंजाइमेटिक सिक्रीशन. हार्मोनल सिक्रीशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है इंसुलिन और दूसरा आता है ग्लूकागॉन. फंक्शन जो है ना वो इनके क्या होते हैं, एक आपके पास आ जाएगा इंसुलिन. इंसुलिन का काम क्या होता है, हाँ भाई एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है. इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को स्टोर करवाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सही है. तो ये बेसिकली एक तो कन्वर्ट कर रहा है इसको ग्लाइकोजन में, और दूसरा ये कि परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है. कौन से सेल्स की, मसल और लिवर सेल की, किस चीज के लिए, फॉर ग्लूकोज. ठीक है जी, आज का सेशन हम लोग करेंगे जरा जल्दी ऑफ, सही है. और दूसरी चीज, हाँ एक और मैं आपको बताता चलूं कि भाई जो वर्कशॉप वाला सीन होगा, ठीक है, उसके लिए मैंने गुलशन फाइनलाइज इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरे पास मेजर एंट्रीज जो थी वो गुलशन की थी. दूसरा, हाँ एक और एक और चीज ये ध्यान में रखना कि आपके पास वर्कशॉप में मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स उठाऊंगा, अगर पहली वर्कशॉप का रिस्पांस अच्छा आया तो फिर हम उसके बाद जो है वो दूसरी वर्कशॉप भी डालेंगे. रिस्पॉन्स अच्छा आने का मतलब यहाँ पे लाइव क्लासेस लेने वाला एलिमेंट, उसको मैं अच्छा रिस्पांस काउंट नहीं करूंगा. आप फिजिकली आके क्लासेस लेंगे उसको मैं अच्छा रिस्पांस काउंट करूंगा, सही है. अच्छा जी, इसमें से कुछ सवाल हैं जो कि मैंने कल की क्लास में भी कवर करवाने हैं. कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि मैं इसमें आपके पास ऐड कर दूंगा. अच्छा जी, इस सवाल पे आ जाओ. दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ये सवाल कौन सा आपके पास, अक्टूबर नंबर 2011 का है, क्वेश्चन 3 पेपर 2. हम यार मैं कोशिश करूंगा हाइब्रिड रखूं, सही है, लेकिन अगर मुझे बोर्ड पे पढ़ाना हुआ तो फिर वो हाइब्रिड रखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. खैर हम देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे. अभी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है. इसके हवाले से जो भी होगा मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर लाजमी पोस्ट करता रहूंगा, अपडेट कर दूंगा इसके हवाले से बिल्कुल, ठीक है. आप लोग फिर भी फिजिकल के हवाले से माइंड बना लें. मैं कोशिश यही, मेरी मतलब मेरा अपना ख्वाहिश यही होगी कि आप लोग फिजिकली आके अटेंड करें. अच्छा जी, सवाल पढ़ो और जवाब जरा बताना शुरू करो जल्दी जल्दी से. ओके मुनीबा अबरार, कह रहे यूजिंग देयर आइडेंटिफाइंग लेटर्स ओनली प्लेस द टर्म्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर इन्वॉल्व. आंसर बहुत छोटा सा है, मार्क्स भी बहुत कम है, सोचना बहुत पड़ेगा. जरा तरीके से इसका एक पैटर्न बनाओ और लिखो जरा जल्दी जल्दी से. भाई एक पूरी सीक्वेंस बना के भेजो बच्चों, एक पूरी सीक्वेंस, जैसे कि
अभी तक उमैमा ने एक भेजी है सीक्वेंस एच आई ई ए ई एफ जी, आई गेस ये पहले वाले के लिए भेजा है उमैमा तुमने। ओके एच आई ई ए ई एफ एंड जी, एच आई ई ए फिर से ई, एक बच्चा प्याज छील रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? एच क्या आ जाएगा पहले, रिसेप्टर, ठीक है, आई आ जाएगा आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, मैं सेंसरी न्यूरॉन भी पहले लिख सकता हूं, इंपल्स भी पहले लिख सकता हूं, एच ई आई, तो यहां से ये पूरा एलिमेंट मूव करके जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि आंखों से जा रहा है इसलिए ब्रेन के पास जा रहा है, हाथ या पांव के रिसेप्टर से जाता तो पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ए के बाद क्या आ जाएगा भाई, ए के बाद आ जाएगा ब्रेन स्टिमुलेट करेगा किसे, मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा डायरेक्टली, तो एफ हो गया मोटर न्यूरॉन, और जो सिक्रीशन आएगी आंसुओं की शक्ल में वो ग्लैंड से आती है, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसलिए उसका डायरेक्ट मैं सी लिख रहा हूं, ठीक है जी। ये एक आपके पास सीक्वेंस आ गई है, फिर कह रहा है कि अ स्टूडेंट डिसाइड टू ओपन अ बुक, अभी उसने सोचा है बुक खोलने की, जब कोई बुक खोलने की सोचेगा तो क्या होगा, सोचते कहां से, ब्रेन से ना, तो ब्रेन आ गया पहले ए। अब जब ब्रेन ने सोचा है तो अंदर क्या हुआ होगा यार, कोई इंपल्स जनरेट हुई होगी ना सोचने की वजह से, नहीं सोचेगा तो बगैर इंपल्स के कैसे सोच सकता है, अच्छा अब सोचेगा बुक खोलनी है, कैसे खोलेगा बुक, वो हाथों को इंपल्स पहुंचाना चाहता है, हाथों पर पहुंचाने के लिए पहले क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाएगा, फिर क्या करेगा उसके बाद, बिल्कुल नहीं, हाँ स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, इब्राहिम उमैमा मुनीबा बताओ जरा, अच्छा मुनीबा ने तो जवाब दे दिया पूरा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट करेगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन जो है ना स्टिमुलेट करेगा हाथों के मसल्स को, और मसल्स जो है ना वो स्टिमुलेट करेंगे अब मसल किसको स्टिमुलेट करेंगे, मसल बोलिए बस यार हो गया, बस किताब खोल लो काफी है, इतना ही है ना, तो मसल काम करेंगे अपना, उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन की भी एक टर्म दी हुई है। अ स्टूडेंट हियर्स अ सडन लाउड नॉइज एंड शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स हिज हार्ट बीट्स फास्टर, डर गया बच्चा बेचारा, इतनी जोर से बोलना नहीं चाहिए, बच्चा डर गया बेचारा, कैसे डर है बताना है आप लोगों ने, सबसे पहले आवाज सुनी, रिसेप्टर ने सुनी ना, तो एच से स्टार्ट करूं, फिर आवाज कानों में जो पड़ी होगी वो पहुंची होगी कहां तक, कानों का ताल्लुक जितने भी सेंसरी ऑर्गन है ऊपर हेड और नेक के, उनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे ब्रेन से होता है, तो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए इंपल्स जनरेट करोगे और ब्रेन तक पहुंचा दोगे, इंपल्स जनरेट करके ब्रेन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, बीच में इन्वॉल्व करवा देते हैं सेंसरी न्यूरोन को भी, सेंसरी न्यूरॉन है ना जो कि ब्रेन तक लेके जाएगा, जब ब्रेन तक पहुंच गई बात तो उसके बदले ब्रेन ने कमांड दिया और मोटर न्यूरॉन के जरिए से बात को आगे पहुंचाएगा, मोटर न्यूरॉन जो है
वो ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और ग्लैंड से कहेंगे कि यार वो सिक्रीशन दो जिससे हार्ट बीट बढ़ जाए। मुझे उस सिक्रीशन का नाम बता दो कोई बच्चा, मुझे उस सिक्रीशन का नाम बता दो जिसके जरिए से जो है क्या होता है। ओके गुड, एड्रीनलिन, जबरदस्त, जिसके जरिए से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो सी से एड्रीनल ग्लैंड, डी से हार्मोन जो कि होगा एड्रीनलिन, और एड्रीनलिन कहां जाएगा अब? एड्रीनलिन को चाहिए कि वो हार्ट तक पहुंचे। हार्ट तक पहुंचने के लिए क्या करेगा एड्रीनलिन? ब्लड का कुछ मेंशन नहीं है, वरना तो हम ब्लड भी ऐड कर सकते थे इसमें। खैर, तो भाई हार्ट तक पहुंचने के लिए हार्ट के मसल मार्क कर सकते हैं हम, जो कि करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ताकि फिर हार्ट बीट हो जाते इससे इससे इससे। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस बन गई इसकी, इसके दो मार्क्स दिए मैंने, क्या बात है। नेम द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज, मार्क्स कम है यार, ये सवाल बड़ा अमेजिंग है, मार्क्स कम है इसके। नेम द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इन्वॉल्वड इन ए आई एंड ए वन एंड ए टू। ए वन ये भी और ए टू ये भी। आंखों से देखो आंसू आना, ये आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन है, और किताब खोलना ये खुद इंसान चाहेगा तो खोलेगा। आप कितना भी कह ले कि दिल नहीं चाहता, लेकिन जब तक आपका दिल जब तक दिल नहीं चाहेगा तब तक आप किताब नहीं खोलेंगे। ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। डिस्क्राइब हाउ रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्विंग द नर्वस सिस्टम डिफर फ्रॉम दोज दैट इन्वॉल्व्ड इन द इफेक्ट ऑफ हार्मोन। नर्वस सिस्टम वाला फास्ट होता है, शॉर्ट लास्टिंग होता है, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रो केमिकल इम्पल्सेस से काम करता है। बस यही पॉइंट है, इनको थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में लिख दोगे तो आई गेस आपके से प्रॉपर जवाब बन जाएगा इसका। सही है, इसमें नर्व इन्वॉल्व होती है, उसमें ग्लैंड होता है, इसके अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों शामिल होते हैं, उसमें सिर्फ इनवॉलेंट्री होता है। सही है जी, ये डिफरेंस आ गया आपके पास। तो आज की क्लास याद रहते हैं, मैं आप लोगों को यूट्यूब के चैनल का लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे थोड़ी देर में, जब मैं सारी वर्कशॉप से फ्री होऊंगा, और उसके बाद जो है जो हमारा इसके हवाले से टाइम टेबल फाइनलाइज होगा मैं वो भी शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों ने अपने तमाम दोस्तों को बता देना है, भले वो आपके कोचिंग के हों, भले वो आपके सिमिलर टीचर के हों, या भले वो आपके स्कूल के हों। ठीक है जी, अच्छी क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं अभी यहाँ पर टाइम तो हम लोग एक और सवाल कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे 10 मिनट का रेस्ट भी लेना होगा अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।